झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव बुधवार को रांची के ईडी कार्यालय में हाजिर हुए। जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें बालू के अवैध कारोबार से जुड़े मामले में पूछताछ करने के लिए 3 अप्रैल को ईडी दफ्तर बुलाया था। ज्ञात हो कि ईडी ने अंबा प्रसाद और उनके करीबियों पर 12 मार्च को छापा मारा था। छापेमारी के दौरान ईडी को विभिन्न ठिकानों से कुल 30 लाख रुपए बरामद हुए थे। आज इन सारी चीजों पर ईडी टीम उनसे पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता योगेंद्र साव के द्वारा अवैध तरीके से जमीन कब्जाने, रंगदारी व बालू की तस्करी से जुड़े कांड को लेकर कई मामले दर्ज है। जो भी संदर्भ में हम नहीं थे यहाँ पर, हम दिल्ली में थे, हम अपना इलाज के लिए गए हुए थे और वहाँ से संबंध हमको पता चला, गए थे हमको फिर 21 तारीख को बुलाया गया था, हमने टाइम लिया था मेल करके, तो आज हमको बुलाया गया है तो आज हम जा रहे हैं और निश्चित रूप से हम ये जांच का पूरा सहयोग करेंगे। और हम ऐसे कंपनियों पर जो निष्पक्ष, हम तो चाहेंगे कि ईडी के द्वारा जो हमारे सारे जितने पुराने केस है सबका जाँच हो जाए, तो हम निश्चित रूप से हम हर केस में जो हमको कहीं कन्विक्टेड हुए हैं, कहीं किसी तरह का जो भी हमरे ऊपर आरोप लगा है, उस सब में हम निश्चित रूप से बरी होंगे। क्योंकि ये ऐसे एजेंसी अगर यदि मेरे सारे केस का अगर इन्वेस्टिगेशन कर दे तो इससे बड़ा हमारे लिए कोई उपलब्धि नहीं हो सकता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।